ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ सबसे पहले तो मैं आपको जो एच एन आई चैनल है जिसने बहुत ही प्राथमिकता से इन मुद्दों को शुरू से ही अपनी कवरेज में शामिल किया है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम का नंचाहल जी सुनीता जी पूजा जी इन लोगों ने बड़े अच्छे से पहले दिन से ही इसको कवरेज किया मैंने जो देखा पहले दिन से उसमें प्रोजेक्ट का हिस्सा मेरा रहा कि मैं मास की बात ना करूं तत्काल लॉकडाउन में रहते हुए जलंधर सिटी के अंदर जो भी प्रवासी हैं कुछ को ट्रेस करके सरकार को वो आईना दिखाऊं प्रशासन को वो आईना दिखाऊं कि आप ये देखो कि इनके लिए जो भी आपने अनाउंसमेंट की है क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत ही हैरानीजनक बात रही कि पूरे 50 दिन में मैंने देखा कि 25 दिन तक में उन लोगों को जमीनी स्तर पर कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई गई तो मैंने डीसी साहब से भी इसको लेकर कंप्लेन किया कि आप कम से कम सूखे राशन की बात कर रहे हैं कि प्रवासी समाज जो है उसके बगैर हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती प्रवासी के बगैर हमारे एग्रीकल्चर बंद हो जाने तो कम से कम इनको रोकने के ये जो दिहाड़ीदार हैं आप क्या कर रहे हैं और मुझे सरकार का सहायता भी मिला मुझे सरकार ने कोऑपरेट भी किया लेकिन मन माफी की जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली जिसके कारण पलायन जारी सर आप पलायन जारी आप क्या चाहते हैं कि वो पलायन कैसे रुके इसमें हमारे सारस ने जो जमीनी स्तर पे जाकर के सर्वे की है उससे जो रिपोर्ट सामने आई है खुल के वो ये है कि हम घोषणाओं और अपीलों तक सिमटे हुए हैं हम अनाउंसमेंट करते हैं दिल्ली से अनाउंसमेंट हो रही है यहां पर आकर के फिर हमारे राज्य सरकार अनाउंसमेंट कर रही है और उसके साथ ही डीसी साहब उसी बात को दोहराते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर उसको बिल्कुल लागू नहीं किया जा रहा है अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कम से कम आने वाले दिनों में 70% मजदूरों की कमी पंजाब में देखी जा सकती है सर 90,000 के करीब प्रवासी जो जलंधर थे उन्होंने इसको लेकर अप्लाई किया था कि हम अपने गांव जाना चाहते हैं अभी तक कम से कम 70-80% प्रवासी जा चुके 20-25% करीब प्रवासी रह गए हैं आप उनसे क्या क्या अपील करना चाहेंगे पंजाब जो छोड़ के जा रहे हैं मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि वो कम से कम जो ये त्रासदी का वक्त है वैश्विक महामारी ने जो जिस तरह से आक्रांत किया हुआ है पूरे विश्व को जरूर अपने घरों को जाएं अपने बच्चों से मिलें अपनी बीवी से मिलें और मिलने के बाद एक बार फिर अपने काम पर पुनर्वापसी करें क्यों क्योंकि राज्य सरकारें जो भी दलीलें दे रही हैं कि आते ही मैं आपको ये कर दूंगा वो सुविधा प्रोवाइड कराऊंगा मनरेगा में दे दूंगा मुझे अभी ये बड़ी दूर की बातें लग रही हैं तो आप प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिकल बात को ज्यादा उठाया प्रैक्टिकली आप देखें और फैसला करें अपने उस उद्योग धंधे से आके फिर जुड़ें क्योंकि उद्योग धंधे को आपकी दरकार है वो आपका इंतजार कर रहा है आपने देखा कि सार संस्था के डायरेक्टर ने बताया कि प्रवासी लोगों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही प्रशासन की तरफ से भी सरकार की तरफ से भी वो प्रवासी लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं वो अपने घर को बच जाएं हो कोशिश हो तो जितना हो तो अपने जहाँ है वहीं पर काम करें और सरकार से जो मिल रहा है सहायता उसको लेने का पूरा प्रयास करें कैमरामैन ब्रजेश के साथ सरदेश की विशेष रिपोर्ट